नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको डॉस के बारे में बताने वाला हूँ कि डॉस क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, डॉस एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कहते हैं। डॉस एक कैरेक्टर यूजर फेस CUI ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रयोगकर्ता से अक्षरों एवं प्रतीकों के माध्यम से संवाद कर स्थापित करता है। मतलब जो कि क्या काम करता है कि अक्षरों के माध्यम से यूज़र जो जो इसको यूज़ करता है उससे कंप्यूटर आपस में संवाद करता है। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार एकल कार्य माध्यम से संवाद स्थापित करना है। एकल कार्य मतलब कि सिंगल यूज़र इंटरफेस होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति यानी कि एक यूज़र ही इसमें कार्य कर सकता है, मल्टीपल यूज़र इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों अथवा कमांड के द्वारा कार्य करता है। चूँकि डॉस निर्देश दिए जाने पर निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इसमें डॉस कमांड में क्या होता है कि हम डॉस कमांड के माध्यम से इसे निर्देश देते हैं, उसी के अनुरूप यह कार्य करता है, इसलिए इसको कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि MS DOS इसमें दो टाइप के इसके दो प्रकार के होते हैं, पहला इंटरनल डॉस कमांड और दूसरा एक्सटर्नल डॉस कमांड। अब इंटरनल डॉस कमांड क्या होते हैं? ठीक है, इंटरनल डॉस कमांड दोस्तों वह कमांड होता है जिसमें एक डॉस के अंदर command.com ठीक है command.com नाम की एक फाइल होती है, जिसमें कुछ फाइल्स पहले से संग्रहित होती है। ठीक है, कुछ फाइल्स संग्रहित होती है, उन फाइल्स को इंटरनल डॉस कमांड कहते हैं। और कुछ जो सेकंड होता है एक्सटर्नल डॉस कमांड, जो फाइल्स जो command.com नाम की फाइल्स के अंदर कमांड्स नहीं होते हैं यानी कि जो फाइल्स नहीं होती हैं उसे एक्सटर्नल डॉस कमांड कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल डॉस कमांड में दोनों में कमांड होते हैं, दोनों फाइल्स होती हैं। जो command.com नाम की फाइल के अंदर कमांड्स होते हैं उनको इंटरनल डॉस कमांड कहते हैं, और जो अदर फाइल्स से होते हैं यानी कि command.com नाम की फाइल में नहीं होते हैं उन्हें एक्सटर्नल डॉस कमांड कहते हैं। कुछ यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के कमांड्स हैं, इन्हें मैं कैसे आपको प्रैक्टिकली करना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल आप समझ गए कि इंटरनल और एक्सटर्नल किसे कहते हैं। इंटरनल इसमें से देखिए जैसे कि होता है कि इंटरनल कमांड जो होते हैं CLS कमांड, जैसे कि यहाँ पर देखिए CLS कमांड है ना, वैल्यू कमांड है इसमें नहीं दिया है, टाइम कमांड है, डेट कमांड है, कॉपी कमांड है। ठीक है, कॉपी कमांड भी ये इंटरनल डॉस कमांड होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पास एक्सटर्नल डॉस कमांड होते हैं, ट्री कमांड जैसे इसमें दिया होगा ट्री कमांड ये, और फॉर्मेट और मोड कमांड। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल डॉस कमांड में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पास कुछ आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं कि कैसे इनको वर्क करते हैं। इसको मैं फुल साइज कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पास देखिए कि मैंने यहाँ पास इसको ओपन किया है, मगर यहाँ पास आपको ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पास जाएंगे, मैं इसको शुरू से आपको स्टार्ट करना बता देता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको भी मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पास स्टार्ट बटन में। यहाँ पर जैसे सर्च ऑप्शन में जैसे कि क्या होता है कि मैं विंडो 8.1 चला रहा हूँ, तो यहाँ पास इस टाइप का सर्च आता है। अगर आप 7 चलाते हैं तो यहाँ पास आपको स्टार्ट बटन के पास ही सर्च बटन मिलेगा, वहाँ पास आपको यहाँ पास क्या डालना है, CMD जैसे ही डालेंगे तो इस टाइप से कमांड प्रॉम्प्ट नाम का एक ऑप्शन खुल जाएगा, तो CMD नाम का, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास डॉस कमांड ओपन हो जाएगा, आप इसको बड़ा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास देखिए जैसे कि यहाँ पास कुछ दिया हुआ है, जैसे ड्राइव, ये सी जो दिया हुआ है ये ड्राइव होता है, उसके अंदर यूज़र नाम का एक डायरेक्टरी होते हैं, इसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। अगर कंप्यूटर के बाहर जाएँ तो हम उसको फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र्स नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर राजन नाम की डायरेक्टरी है। ठीक है,
तो जो भी हम काम करेंगे इसमें वो कहाँ पर सेव होगा, जाजेन नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है कि ड्राइव सी और डायरेक्टरी यूजर्स और जाजेन जो है सब डायरेक्टरी होती है यूजर की, मतलब हम जिसके अंदर मौजूद होते हैं उसको उसकी सब डायरेक्टरी होती है। तो जैसे यूजर्स के अंदर जाजेन नाम का डायरेक्टरी मौजूद है तो ये क्या हो जाएगी, सब डायरेक्टरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पास सारे कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें आता है dir कमांड, यहाँ पास हम डालेंगे dir, ठीक है। तो dir कमांड का यूज़ क्या होता है दोस्तों, कि इस dir कमांड का यूज़ स्क्रीन में मतलब इस जिस डायरेक्टरी के नाम काम करेंगे डालेंगे उसको, तो उस डायरेक्टरी के अंदर या सब डायरेक्टरी के अंदर कितनी कमांड्स हैं या फाइल्स हैं उनका उनको शो करेगा। हम यहाँ पास dir कमांड के लिखे हैं और इंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पास जितनी भी डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी या फाइल्स हैं ये यहाँ पास दिखाई दे रहा है, मतलब राजेंद्र नाम के फोल्डर के अंदर यानी कि सब डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं, जैसे कि 3 फाइल्स हैं और 25 डायरेक्टरी हैं, ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्टरी के अंदर हम देखने के लिए dir कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें md कमांड। md कमांड का यूज़ होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी के काम करने से पहले मैं इसको क्या करूँगा कि मैं सब सारी डायरेक्टरी से बाहर आऊँगा, तो बाहर आने के लिए हम यहाँ पास cd डॉट डॉट का यूज़ करना होता है, दो बार डॉट cd डॉट डॉट करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं राजेंद्र नाम की डायरेक्टरी से बाहर आ चुका हूँ, केवल यूज़र नाम की डायरेक्टरी, मतलब अब जो भी काम हम करेंगे यूज़र नाम की डायरेक्टरी में। तो अगर हमें यूजर्स नाम के अंदर देखना है कि कितनी फाइल्स हैं, तो यहाँ पर से dir फिर से चलाएंगे और इंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए यूजर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर केवल 0 फाइल्स एक ही नहीं है और 4 डायरेक्टरी हैं, और जो राजेंद्र नाम की डायरेक्टरी थी उसमें 3 फाइल्स और 25 डायरेक्टरीज थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके, अगर मुझे यहाँ पर यूज़र नाम को भी हटाना है, यूज़र नाम की डायरेक्टरी को भी हटाना है, तो आपको यहाँ पर फिर से cd डबल डॉट यूज़ कर सकते हैं और इंटर करेंगे, तो देखिए ये भी आप यूजर्स नाम की डायरेक्टरी से भी आप बाहर आ गए हैं। अब हम केवल सी ड्राइव के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है, केवल सी ड्राइव के अंदर हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें देखना है कि कितनी डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी हैं, तो इसमें भी आप dir कमांड का यूज़ करके इंटर करके देखेंगे, तो यहाँ पास इतनी सारी डायरेक्टरी है और यहाँ पास तुम्हें आपको दिख जाएगा कि 8 फाइल्स और 31 डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, कि जैसे कि हम बाई चांस हमें सी ड्राइव के अंदर भी काम नहीं करना है, हमें दूसरी डायरेक्टरी ड्राइव के अंदर जाना है, जैसे हमारे सिस्टम में ई ड्राइव नाम का एक और ड्राइव है, तो हम उसमें काम करते हैं, चूँकि इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं तो हम यहाँ पास कहीं गलती से उन्हें डिलीट ना कर दें, इसलिए हम यहाँ पास ड्राइव चेंज कर लेते हैं। तो ड्राइव चेंज करने के लिए आपको ई कमांड ई डालना है और कॉलन का यूज़ करना है, कॉलन ये डबल डॉट, ठीक है। तो ई और कॉलन यूज़ कर लिखेंगे और इंटर मारेंगे, तो देखिए यहाँ पास देखिए पहले अभी हम सी ड्राइव के अंदर थे, अब हम ई ड्राइव के अंदर चले गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम ई ड्राइव के अंदर काम करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर ही हम सारे काम करेंगे, है ना, अपनी खुद की डायरेक्टरी बनाएंगे, सब डायरेक्टरी बनाएंगे और फाइल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाने के लिए हमें md कमांड का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पास md स्पेस राज 11 कर देता हूँ, RAJ राज 11, ठीक है, और इंटर करेंगे। यहाँ पास अब देखते हैं कि ई ड्राइव के अंदर राज 11 बना है कि नहीं, तो यहाँ पास देखने के लिए dir कमांड का यूज़ करेंगे, dir इंटर। तो देखिए राज 11 ये यहाँ पास देखिए कर्सर दिख रहा है, राज 11 करके है, यहाँ पर डायरेक्टरी है और ये टाइमिंग भी दिखा रहा है 7:46 पे और 21/9/2022 को बनाया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, राज 11 को ई ड्राइव के अंदर लाना है, मतलब उसके अंदर लेके जाना है, ड्राइव के अंदर ले जाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पास उसको अंदर ले जाने के लिए cd कमांड है,
ठीक है, सी डी डॉट डॉट का यूज़ नहीं करेंगे। सी डी डॉट डॉट का यूज़ मतलब बाहर निकालने के लिए था, और केवल सी डी का यूज़ करेंगे तो वो अंदर ले जाने के लिए, और स्पेस करेंगे जैसे कि मैं राज 11 और इंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, सी राज 11 जो है ये डायरेक्ट के अंदर मौजूद हो गए, मतलब ये डायरेक्टरी के अंदर हम राज 11 के नाम के अंदर चले गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें दो तीन डायरेक्टरी और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फिर से एमडी कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सी जी के नाम से बना लेते हैं, सी जी। ठीक है, सी जी के नाम से डायरेक्टरी बना लेते हैं और इंटर करते हैं, तो देखते हैं कि अब राज 11 के अंदर सी जी नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं। तो फिर से डी आई आर कमांड का यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सी जी नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है, और यहाँ पर तीन डायरेक्टरी दिखा रहे हैं जो कि हमने अभी नहीं बनाया है। जो क्या होता है दोस्तों, कभी भी आप बाई चांस कभी भी आप कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसमें दो डायरेक्टरी बाई डिफॉल्ट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो डायरेक्टरी पहले से ऑटोमेटिक हमको, क्योंकि राज 11 के नाम से बनाए थे तो ऑटोमेटिक बन गई थी। अब उसके अंदर हम सी जी नाम की डायरेक्टरी बनाए राज 11 के नाम से, तो उसके अंदर देखिए सी जी नाम की डायरेक्टरी मौजूद है यहाँ पास। ठीक है, तब इसमें जीरो फाइल्स और तीन डायरेक्टरी हैं, एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से करेंगे एमडी कमांड का यूज़ और एमपी नाम से बना लेते हैं, एमपी स्पेस एमपी इंटर। अब देखते हैं फिर से इसमें जाके डी आई आर कमांड इंटर, तो देखिए यहाँ पर पहले तीन डायरेक्टरी थी, अब यहाँ चार डायरेक्टरी दिखा दी है, यानी कि सी जी और एमपी करके। ठीक है, दो डायरेक्टरी बाई डिफॉल्ट होती है, पहले से बनी होती है, तो टोटल चार डायरेक्टरी फाइल्स जीरो है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम कॉपी कॉन का यूज़ करके फाइल्स बनाएंगे। कॉपी कॉन का यूज़ क्या होता है दोस्तों, कि जब भी हमको कोई फाइल्स बनाना होता है या डायरेक्टरी बनाना होता है और उसके अंदर हमें कुछ लिखना होता है तो हम कॉपी कॉन का यूज़ करते हैं। तो कॉपी कॉन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कॉपी सी ओ पी वाई, कॉपी स्पेस सी ओ एन स्पेस नाम, किस नाम से बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यूपी डाल देता हूँ, यूपी नाम से बना रहा हूँ यूपी, और इंटर यूपी वन कर देता हूँ इंटर। अब यहाँ पर कुछ लिखने के लिए कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप सेव कर सकते हैं। इसमें हमें क्या होता है कॉपी कॉन में कि हमें फाइल बनाने के बाद उसको सेव करना होता है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर डाल दी। अब हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप कीबोर्ड से F6 दबा सकते हैं तब सेव हो जाएगा, या फिर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड आ गया। अब यहाँ पर इंटर करूँगा तो कॉपी हो जाएगी, देखो यहाँ पर से फाइल कॉपी हो गई, यानी कि सेव हो गई है। अब इस फाइल को देखने के लिए कि यहाँ पर कॉपी हुई कि नहीं, तो हम डी आई आर कमांड का यूज़ करेंगे। जब भी हमें कुछ देखना हो तो डी आई आर और इंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए UP128 देखिए वन फाइल्स आ गई। यहाँ पर पहले जीरो फाइल्स थी, अब यहाँ पर वन फाइल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉपी कॉन का यूज़ करके आप फाइल को देख सकते हैं। अगर हम मुझे यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर UP128 में फाइल्स में हमें यहाँ पास कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसके अंदर हमें देखना है कि यहाँ पास हम टाइप कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पास आप टाइप TYPE टाइप कमांड का यूज़ इंटर करेंगे, तो यहाँ पास देखिए सॉरी यहाँ पास मैं टाइप कमांड को डाला मगर फाइल का नाम नहीं डाला हूँ। यहाँ पास फिर से डालूँगा TYPE टाइप स्पेस क्या नाम, किस फाइल को देखना है UP1, तो यहाँ पास UP1 इंटर। तो देखिए यहाँ पास आ गया राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पास कॉपी कॉन और टाइप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पास कॉपी कमांड का यूज़, खाली कॉपी ना, अभी कॉपी कॉन का यूज़ कर रहे थे, अब कॉपी कमांड का यूज़ करें। कॉपी का यूज़ होता है दोस्तों कि सेम फाइल को दूसरे नाम से कॉपी कर देना। ठीक है, कमांड के अंदर सेम फाइल को दूसरे के नाम से कॉपी कर देना, जो भी फाइल होती है, यानी कि डुप्लीकेट फाइल तैयार कर देना। डुप्लीकेट फाइल तैयार करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि
अगर कोई बाय डिफॉल्ट एक फाइल को डिलीट कर दिया है तो हम दूसरी फाइल्स को सेम कॉपी में रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पास क्या करना है, तो चलना है सबसे पहले जैसे कि यहाँ पास लिखें कॉपी, COPY कॉपी स्पेस और क्या फाइल है UP1, तो यहाँ पास UP1 और स्पेस किस नाम की फाइल बना मैं कॉपी करना है, ठीक है, इस फाइल को हमें कॉपी करना है किस नाम से, UP2 कर देता हूँ, UP2 ये UP2 नई फाइल्स होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास एंटर करें, यहाँ पास देखिए दोस्तों यहाँ पास ऑप्शन आ रहा है कि वन फाइल कॉपी, और हम देखें देखने के लिए हमें फिर से DIR कमांड का यूज करना है, DIR इंटर। तो यहाँ पास देखेंगे कि DIR कमांड से देखिए दो फाइल्स हो गई हैं, दोनों फाइल्स जो है UP128 और UP228। अब हमें UP2 और UP1 में देखना है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी वो दोनों में सेम कॉपी हुआ है कि नहीं। तो हमें यहाँ पास टाइप कमांड का यूज़ करना है, YPE टाइप स्पेस UP2 में देखते हैं, UP2 क्योंकि UP1 तो हम देख चुके हैं पहले, इंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में बाय डिफॉल्ट सेम टू सेम यहाँ पास छप गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास कॉपी का कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके पास उसके बाद है दोस्तों यहाँ पास RD कमांड का यूज़ किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि जैसे हम किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करना मतलब उसको डिलीट कर देना, हटा देना उस डायरेक्टरी से, तो हम उस फाइल को तभी हटा सकते हैं कि जब उस डायरेक्टरी या फाइल्स के अंदर कोई दूसरी अन्य डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी मौजूद ना हो, मतलब उसके अंदर दूसरी फाइल्स ना बनी हो, अगर वो खाली हो सिंगल हो तभी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो कहने का कैसे, यहाँ पर जैसे मैं RD डालता हूँ, RD स्पेस, जैसे मैं Raj11 करके देखता हूँ क्योंकि Raj11 के अंदर फाइल मौजूद है, इसलिए मैं इसको देखता हूँ कि ये रिमूव करता है कि नहीं। तो मैं Raj11, ठीक है, इंटर करता हूँ। तो देखिए मैं जैसे बताया कि इसके अंदर जिस फाइल के अंदर कोई फाइल मौजूद होगी या डायरेक्टिव मौजूद हो रहेगी तो वो फाइल काम नहीं करेगा, मतलब रिमूव नहीं करेगा। तो यहाँ पास देखिए द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, यानी कि ये यहाँ पास इस फाइल को काम नहीं कर रहा है, तो हमें अब दूसरी फाइल को देखना, मतलब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जो भी है जैसे कि CGMP UP1 UP2, तो मैं UP2 को हटा रहा हूँ, ठीक है, फाइल को। तो यहाँ पास फिर से मैं RD स्पेस UP2 और इंटर। तो चूंकि यहाँ पास भी ये फाइल नहीं हो रहा है, फिर मैं CG को करता हूँ एक बार, तो RD स्पेस और CG इंटर। देखिए यहाँ पास CG रिमूव हो चुकी है, क्योंकि ये फाइल थी तो फाइल को हम रिमूव नहीं कर सकते, केवल डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चलते देखते हैं DIR कमांड पेज यूज करके चिंता करेंगे, तो देखें UP जो थी यहाँ से हट चुके हैं, टोटल तीन डायरेक्टरी और दो फाइल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्टरी को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्री कमांड का यूज़ क्या होता है दोस्तों, कि हमको अगर कोई फाइल या डायरेक्टरी है या जिस डायरेक्टरी के अंदर हैं हम, उस डायरेक्टरी को ट्री के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास TRE और इंटर करेंगे तो देख, और यहाँ पास देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पास देखिए कि ज़्यादा फाइल्स नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पास देखिए EDAG और MP ऐसा करके यहाँ पास आपको ट्री फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ पास आपको वैल्यू सीरियल नंबर भी दिखाई दे रहा है, मतलब इसका पाथ जो ETF का पाथ है उसका यहाँ पास सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके बाहर जाके देखें, जैसे कि हमको यहाँ पास Raj11 को हटा के ETF के अंदर देखना है, TRE कमांड चलाना है, तो यहाँ पास हमें CD कमांड यूज़ करेंगे और स्पेस क्या Raj11 और इंटर करेंगे, CD डॉट डॉट और इंटर।
तो देखिए हम बाहर आके अब यहाँ पर स्ट्रिंग कमांड चलाते हैं TR इंटर। ये देखिए आपको, क्योंकि ए टाइप के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, डायरेक्टिव सब डायरेक्टिव होती थी, इसलिए इस इतना सारा ज़्यादा आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, चूँकि हम राज 11 के में थे तो उसमें केवल एक दो फाइल ही बनी थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। तो मगर ये ट्री फॉर्म में आपको यहाँ पास देखे, जब तक इसका पूरा कंप्लीट नहीं दिखा देगा तब तक ये कर्सर आगे भागते जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें चूँकि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, इसलिए यहाँ पास ये पूरा एकदम से जब तक उसके पूरी फाइल्स को कंप्लीट नहीं कर देगा, दिखा नहीं देगा, तब तक ये यहाँ पास क्या करेगा, भागता रहेगा। इसमें बहुत सारी फाइल्स है, इसलिए ये ट्री कमांड का यूज़ इसमें, जब तक वो पूरी फाइल्स को पूरा ट्री के फॉर्म में, देखिए अब यहाँ पास इसने ट्री के फॉर्म में कंप्लीट कर दिया, ख़त्म हो गई, अब यहाँ पास ये टूट गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पास REN कमांड का यूज़ करेंगे। REN क्या होता है, पहले मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड, CLS इंटर। देखिए हमारी स्क्रीन पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि REN कमांड का यूज़ करना, तो हमें सबसे पहले ई डैप के अंदर राज 11 को ले जाना होगा। तो ले जाने के लिए CD कमांड स्पेस RAJ राज 11 करना होगा और इंटर। तो देखिए हम आ गए इसके अंदर, फिर से PIR कमांड चला लेते हैं, क्या क्या फाइल्स है देखिए ये फाइल्स है। अब हमें क्या करना है, जो UP1 है फाइल, सॉरी MP फाइल है, उसको हमको एकॉन UP नाम की फाइल में कन्वर्ट करना है, या SDG के नाम फाइल में कन्वर्ट करना है, मतलब रीनेम डालना है। तो हमें क्या करना है, REN कमांड, REN नया नाम डालना है, REN स्पेस किस फाइल को, MP स्पेस किस नाम से करना है, CG नाम से कर देते हैं, CG और इंटर करते हैं। अब हम देखते हैं DIR इंटर। तो देखिए यहाँ पास जो MP यहाँ पास दिखा देता ना, अब यहाँ पर देखिए CG दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से REN कमांड के यूज़ करके आप किसी भी डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स को कॉपी कर सकते, मतलब रीनेम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक और चीज़ है यहाँ पर CHKDSK कमांड। ये क्या काम करता है, ये एक्सटर्नल कमांड होता है। ये क्या काम करता है कि आपकी डायरेक्टरी या ड्राइव फोल्डर में जो भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है, या उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से देखता है। तो हम यहाँ पर CHKDSK ठीक है इंटर करेंगे। तो यहाँ पर इस कमांड का यूज़ अभी नहीं कर रहा है, तो हमें इस कमांड का यूज़ करने के लिए हम इसको एग्जिट कमांड का यूज़ करके इसको बंद करेंगे, फिर से चालू करते हैं। तो यहाँ पास जैसे अभी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पास एग्जिट EXIT इस कमांड का यूज़ सिस्टम को, मतलब डायरेक्टरी को बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पास इंटर करेंगे, देखिए ये बंद हो गया पूरी तरीके से। अब हम यहाँ पास फिर चलते हैं सर्च में, और यहाँ पास फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पास CMD। तो देखिए यहाँ पास आपको क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है इसमें। इसमें जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पास देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन होने के लिए यहाँ पास यस नो पूछ रहे हैं, आपको यहाँ पास यस कर देना है। और तो जैसे ही यस करेंगे तो देखिए यहाँ पास उसका सिस्टम का वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास हम चेक CHKDSK कमांड का यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पास बता रहा है कि द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज NTFS, यानी कि जो ये फाइल्स है NTFS है। ठीक है, अब यहाँ पास पूरा उसका पूरा यहाँ पास आपको दिखाई देगा, जैसे कि
जो प्रोसेसर यहाँ पर देखा है एग्जामिनिंग है, और आप इतना जो उसकी वैल्यूशन है, स्टेज है कितना परसेंट है, टोटल इसका जो कैपेसिटी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पास पूरा चीज, हर चीज़ को आपको यहाँ पास वो CHK DSK कमांड के द्वारा किसी भी ड्राइव के अंदर हम जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पास इन सारे कमांड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पास मैंने आपको बहुत सारे कमांड का यूज़ नहीं बताया, मतलब थोड़ा सा कमांड ही बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पास ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ पास शो हो रहे हैं, रन हो रहे हैं और दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।